बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर मुस्लिम वोट बैंक, जाट वोट बैंक और किसान वोट बैंक अहम योगदान रखता है अपना चुनाव में। लेकिन अब कितना बड़ा झटका आप मान रही हैं इसको? आप रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग हो गए हैं, राहें अलग हो गई हैं आपकी और रोहित अग्रवाल की। पहले तो एक साथ ही थे इंडिया गठबंधन में, अब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कुछ बचा ही नहीं है। नहीं नहीं देखिए प्रिवत जी, कहने और सुनने के लिए तो अब उनके पास बहुत कुछ होगा, है ना। जो अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि रोहित भाई कैसे बता पाएंगे कि क्या अच्छाइयां हैं जो दिन भर बुराइयों की बात करते थे। और जहां तक अगर बात किया जाए जनता की, जनता ने कोई मसौदा थोड़ी तैयार किया है कि हमें किसके साथ ज्वाइन करना है। जनता तो अपने मत से मतदान करती है। ये जयंत, अगर जयंत चौधरी जा रहे हैं तो ठीक है, उनको जाने का शौक हुआ होगा क्योंकि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि बस तुरंत सब कुछ मिल जाए। जनता नहीं जा रही है, तो ये भूल जाइए कि अगर इंडिया गठबंधन पे कहीं लगा देंगे तो कि कुछ बचा नहीं है। अरे भाई, जब आप जैसे लोग रहेंगे तो कहाँ से बचेगा, जा कौन रहा है? बाकी लोग तो बैठे वहीं पे है ना, इंडिया गठबंधन में ही है, और आप आरोप किसी और पे लगा रहे हैं। तो जनता देखिए सब कुछ समझ रही है और जनता को कुछ समझाने के लिए आरोप ये भी है कि जिस समय यूपी का, जो यूपी के साथ साथ देश का तापमान हाई है 2024 को लेकर, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, उसी बीच राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा ले रहे हैं, जबकि मुख्य मुद्दा इस समय होना चाहिए सीटों का बंटवारा और एक करना। अब जब आपके पास साथी नहीं रहेंगे, उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने निष्कासित कर दिया, दूसरी तरफ आरएलडी की राहें अलग हो गई हैं, समाजवादी पार्टी के मुख्य सहयोगी पार्टी तो राहुल गांधी जी जनता के साथ में हैं जी। और कहां पे लिखा हुआ है कि जनता से अलग हटके राजनीति होती है? राजनीति करने के लिए जनता के बीच में होना चाहिए ना, और राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं। तो इसमें राहुल गांधी जी प्रश्न खड़ा करके हम किसके प्रश्न, क्या जनता प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? राहुल गांधी जी वही काम कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए एक राजनीति में होने के नाते जनता के साथ। और जिस तरह जन सैलाब और जन समर्थन मिल रहा है, ये दिखाता है कि जनता कहीं ना कहीं उनकी बातों से, उनकी चीजों से, उनकी सत्यवादिता से प्रभावित हो रही है। रोहित जी, और कौन साथ में है कौन साथ में नहीं है, इससे किसी की जीत और स्थिति ये है कि कांग्रेस अपने युवराज को स्थापित करने के लिए फोटो ऐप का शब्दों का प्रयोग कदाचित आप न करें। युवराज क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवराज क्या होता है? शब्दों का प्रयोग न करें थोड़ा, और उसके बाद अपनी बात रखिए आप। कुछ नहीं है इनकी न्याय यात्रा के अंदर, क्योंकि न्याय यात्रा न्याय किसको दिला रहे हैं ये तो बताइए। इनके पास न्याय सवाल करवाने से काम थोड़ी ना चल जाएगा, फोटो ऐप कराने से वोट थोड़ी ना मिल जाएगा। आपके युवराज का स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप चाहते हो कि अपने युवराज को हम किसी इंडिया चले जाएंगे तो क्या आपको मतदान मिल जाएगा? क्या जनता के साथ आ जाएगी? बिल्कुल, जनता राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल ही जनता हित में काम करता है, कांग्रेस के साथ तो वैसे भी समाप्त हो चुकी है जनता। कांग्रेस के पास नहीं, तो नहीं, वैसे भी कोई वजूद नहीं, समाप्त होने हारने के बाद कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं था। आप जैसे लोग सोनिया गांधी जी रायबरेली लड़ने को तैयार नहीं है, तो रायबरेली भी हारने के डर से सोनिया गांधी जी जब रायबरेली छोड़ते हैं, गठबंधन नहीं तोड़ते हैं, हम जहाँ पे वहीं रहते हैं। और जनता से क्या क्या करते हैं ये तो पूरे देश से देखा है। बिल्कुल देश देख रहा है, के साथ भी आप हाथ मिला लेते हैं, जिसका वजूद ही आपके आपके करप्शन के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। तो आप तो पार्टी, आप तो क्या क्या करते हैं करप्शन के अगेंस्ट? हम भी हैं, करप्टेड लोगों को हटाइए। तो आप लोग तो गजब बात करते हैं, अपनी तरफ लेके कहते हैं, जिसकी तरफ आप गए हैं वो करप्टेड लोगों के पास रख लेते हैं, कहते हैं करप्शन नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं रोहित भाई आप? आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप ऐसी बात करेंगे। करप्शन कौन कहता है करप्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन करप्शन करने वाले जिस पे आरोप लग रहा है उसको अपनी तरफ कर लेंगे और कहेंगे करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं आप लोग, गजब बात है। कांग्रेस के पास सिवाय करप्शन की कुछ बचा नहीं है। उंगली उठाने के पहले आप अपनी विचारधारा पे उंगली उठाइए कि आप लोग अगर गठबंधन को छोड़ कर जाते हैं तो आप उनकी जगह समाजवादी का फखरुल जी नेता को खाली मैं लौट चुका। रोहित जी आपके पास लौट चुका, आपके पास रोहित जी, रोहित जी मैं लौटूंगा फखरुल साहब से एक कमेंट ले लेते हैं। फखरुल जी, अगर देखा जाए तो 2022 के बाद लगातार आपको झटके कई बार लगते हुए नजर आए हैं। आपके साथ सुभाष पाती 2022 के चुनाव में, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, और आपके मुख्य सहयोगी की बात की जाए आरएलजी ने भी अब कहीं ना कहीं अपनी राहें जुदा कर ली हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौतियां? भाजपा के साथ गई, आज भी वो मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल में उनको